The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेल के ऐसे साइन एंड सिम्टम। जी हाँ, आपके नाखून, आपके शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं, अंदाजा दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या बीमारी हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है आपके शरीर में। सो नाखून से हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और यही सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ सांझी करेंगे, बताएंगे व्हाट नेल एब्नॉर्मलिटीज टेल अस अबाउट योर हेल्थ। सो नेल भाई साहब, अगर आपका हेल्दी है तो आपका नेल होगा स्मूथ और उसमें एकदम कंसिस्टेंट कलर होगा। अगर आपको नेल के अंदर रिजेस आ गए, वर्टिकल लाइंस आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, थोड़े ब्रिटल हो गए, कोई स्पॉट आ गया चोट लगने के वजह से या किसी कारण के वजह से, तो ये या डिस्कलरेशन हो गया या नेल सेपरेट हो गया, तो ये सारी कई सारी बीमारियों से हो सकता है। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हार्मलेस होती हैं, कुछ इंडिकेशंस हैवी चीज़ों के भी होते हैं। जैसे अगर नेल के अंदर देर आर प्रॉब्लम्स लाइक वायरल इन्फेक्शन, वायरल वार्ट्स, पेरी एंगल वार्ट्स, फंगल इन्फेक्शन, ऑनेक्यो माइक्रोसिस और कैंसर, कीमोथेरेपी के भी साइन सिम्टम्स होते हैं। कुछ दवाएं भी होती हैं जो नेल के ऊपर इफेक्ट करती हैं और नेल में आपके जो अपीयरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ नेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स। कुछ याद रखिए, कुछ बीमारियों को अटेंशन जल्दी चाहिए, कुछ को नहीं। सो अगर आपके नेल में डिस्कलरेशन है, लाइक ऐसी कोई भी चीज़ है जैसे डार्क कलर के लाइन है, वाइट स्ट्रीक्स हैं, चेंजेस है कलर में, शेप में, थिकनेस में, ब्रिटल है, पिटेड है, गड्ढे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग है, पेन है या सेपरेटेड है, तब हमें ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ बीमारी के वजह से होती हैं। सो उसमें सबसे पहले बात करेंगे नेल में आने वाली लाइन्स के बारे में। सो अगर आपके नाखूनों में ब्रू लाइंस नामक लाइंस है ना, व्हाट आर ब्रू लाइंस? ब्रू लाइंस यानी एक डिप्रेशन है जो हॉरिजॉन्टली आपके नेल में रन करेगा, रन्स अक्रॉस द फिंगर नेल, ऐसा ब्रू लाइन जिसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन है, जैसे जो लाइनें होती है नेल की उसी लाइन से रन कर रहा है अगर डिप्रेशन है, दैट इज अ साइन ऑफ मैल नरिशमेंट। ब्रू लाइंस का मतलब है आपके नेल तक उतना कार्टिजन नहीं पहुंच रहा, उतना नेल जिससे बनते हैं वो चीज़ें नहीं पहुंच रही, तो ये और भी बीमारियों में हो सकता है। जैसे अगर वहां जाने वाली खून की नस दब गई है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, किसी को निमोनिया हो गया है तो शरीर, पूरे शरीर में ऑक्सीजन कम है, किसी को कोई और बुखार, हाई फीवर डिजीज है, मीजल्स मम्स स्कारलेट फीवर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो नसें दब जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या जिंक की डेफिशिएंसी है, तो ब्रू लाइंस आपके नेल्स में आ सकती है। याद रखिए ब्रू लाइंस। देन सॉरी फॉर दैट। सेकेंड थिंग जो हमें नेल्स में देखनी है, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। सो व्हाट इज क्लबिंग? क्लब का मतलब है कि जो नेल है वो नेल जो है आपका ऊपर उठ गया है, नेल जो स्ट्रेट की जगह ऐसा क्लब जैसा शेप आ गया उसका बाहर से, तो क्लबिंग इज व्हेन नेल थिकेंस एंड कर्व्स अराउंड योर फिंगर टिप्स। यहां पर ये क्लबिंग धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, बहुत साल साल लगते हैं इसको। और ये क्यों होता है? ये ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजन कम मिलने के वजह से होता है। तो किसी भी हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, लिवर की बीमारी या इंटेस्टाइन की बीमारी या एड्स में ऐसा हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी डिजीज, लिवर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या एड्स की बीमारी में ऐसा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग को देखने के लिए एक टेस्ट है जिसमें आप ऐसे करें, तो अगर आपके नेल के बीच में कोई ट्राइंगल बन रहा है इट्स नॉर्मल, अगर उसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है देन इट इज क्लबिंग। सो दिस इज देयर। सो क्लबिंग हमने बता दिया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पूनिंग। स्पूनिंग ऑफ नेल्स यानी के कॉइलो नाइकिया, मतलब नेल जो है स्ट्रेट होने की जगह ऐसा हो रहा है, यानी नेल जो है वो अभी क्लबिंग में ऐसा हुआ था, नेल
यहां से लेके ऐसा, अब वो स्पून हो गया, ऐसा बन गया, नहीं ऐसा गड्ढा बन गया उसमें से, चम्मच बन गया, चम्मच से ऐसे खा सकते हो, जस्ट किडिंग. सो स्पूनिंग मींस कॉइलो नाइकिया व्हेन योर फिंगर नेल हैव रेज्ड रिजेस स्कूप टूवर्ड्स लाइक अ स्पून, इट इज कॉल्ड स्पूनिंग. अब ये जो है इतना भी कर्व हो सकता है कि इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड रह सके. स्पूनिंग इज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी इज अ साइन ऑफ स्पूनिंग. और एक और हार्ट डिजीज में, हीमोक्रोमेटोसिस में, यानी लिवर डिजीज जिसमें के लिवर का कोई डिसऑर्डर है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्पूनिंग. तो लिवर डिजीज में वहां पर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट डिजीज में देर इज अ प्रॉब्लम, एंड हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस इज अ लिवर डिजीज. हीमोक्रोमेटोसिस मतलब लिवर के अंदर बहुत सारा आयरन जमा हो गया है, आयरन डेफिशिएंसी, खून में आयरन कम है तो भी होगा, हीमोक्रोमेटोसिस है तो भी होगा, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो भी होगा, इवन हाइपोथायरॉइड में भी आपको कोइलोनाइकिया हो सकता है, और रेनान्स डिजीज में भी हो सकता है कोइलोनाइकिया स्पून शेप. फिर देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज ल्यूकोनाइकिया. ल्यूकोनाइकिया, व्हाट इज ल्यूकोनाइकिया, यानी व्हाइट स्पॉट्स. आपके नेल में व्हाइट स्पॉट्स हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म व्हाइट स्पॉट्स या लाइंस है व्हाइट स्पॉट्स, उसको ल्यूकोनाइकिया बोलते हैं. ये होता है कभी कोई चोट लग जाए, माइनर चोट लगने से हो जाता है, दिस इज अ हार्मलेस टाइप ऑफ थिंग. ल्यूकोनाइकिया भी पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है, इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिस्टमिक डिजीजेज और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के चलते ल्यूकोनाइकिया हो जाता है. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मीज़लाइंस. मीज़लाइन, व्हाट इज मीज़लाइन. मीज़लाइंस यानी के देयर आर ट्रांसवर्स लाइंस, जैसे हमने ब्रू लाइंस बताया था वैसे ही लाइंस होती हैं, बट यहाँ पर डेप्थ गड्ढे नहीं है, लाइन सिर्फ ऐसी दिखेगी व्हाइट कलर की. मीज लाइन्स आर ट्रांसवर्स व्हाइट लाइन, ब्रू लाइन्स आर पिटेड टाइप्स लाइन्स ऐसी. सो मीज लाइन्स व्हाइट लाइन्स होती हैं, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में हो जाता है. आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर आपको है तो ऐसी लाइन आने लगेगी, एंड योर डॉक्टर विल टेक योर हेयर, आपके बालों का सैंपल चेक होगा कि आपके शरीर में आर्सेनिक कितना है. सो ब्रू लाइन्स आपने सुबह देखी थी मेन, और अब है मी लाइन्स. इसके बाद है ओनाइकोलाइसिस. ओनाइकोलाइसिस का मतलब है व्हेन योर नेल प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेल बेड, मतलब नेल जो है वो उठ गया है ऊपर की तरफ, तो होगा क्या, व्हाइट कलर का डिस्कलरेशन आ जाएगा बड़ा सा, जो लगेगा कि नेल जो है नीचे चिपका नहीं है, अलग से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड ओनाइकोलाइसिस. दिस कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रॉमा, या कोई अजीबोगरीब कुछ प्रोडक्ट्स आप अगर नेल पे लगाते हैं तब भी उससे भी हो सकता है. और उसके अलावा इट कैन बी बिकॉज ऑफ थायराइड डिजीज एंड सोरियोसिस. सोरियोसिस के वजह से ऐसा हो सकता है. देन वेरी वेरी कॉमन इशू जो होता है नेल के साथ, विच इज कॉल्ड पिटिंग. पिटिंग ऑफ नेल्स, पिटिंग मतलब छोटे छोटे गड्ढे नेल के अंदर, डिप्रेशन, लिटिल पिट्स इन द नेल, वेरी कॉमन, खासकर पीपल जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे सोरियासिस हो, जो स्किन ड्राई है, रेड है, इरिटेटेड है, या कुछ और सिस्टमिक डिजीजेस है, उसमें भी ऐसा होने के चांसेस है, बट मोस्ट कॉमन सोरियासिस. दिस इज देयर. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेरीज नेल. टेरी नेल मतलब व्हेन द टिप ऑफ ईच नेल हैज अ डार्क बैंड. टिप के पास ऐसा डार्क कलर का बैंड है, उसको बोलते हैं टेरीज नेल. ये उम्र के साथ आ जाता है, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज ऑल्सो, डायबिटीज ऑल्सो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑल्सो. टेरीज लाइन, इसको टेरीज नेल बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो देयर. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज येलो नेल सिंड्रोम. येलो नेल, पीले रंग के नाखून हो जाना, नाखून बड़े हो जाते हैं, ग्रो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होते जितना एक नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन मोटे होते जाते हैं, आगे की तरफ ग्रो नहीं होते, और नेल जो है क्यूटिकल भी लैक करता है, जो नीचे एक छोटा सा व्हाइट पार्ट होता है, क्यूटिकल गोला सा ऐसा आता चांद, वो नहीं होता है, और उसमें क्या होता है, येलो रेस कलर आ जाने लगता है, और कभी कभी नेल बेड से अलग भी हो जाता है. ये होता है कुछ प्रकार की डेंजरस बीमारियों की वजह से, येलो नेल्स, या तो लिम्फेडिमा हो रहा है वहां पर, प्लूरल इफ्यूजन है, लंग्स में पानी भरा है,
इंटरनल कोई मेलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, या कोई रेस्पिरेटरी बीमारी है जैसे ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस में भी ये आता है. दीज आर जस्ट साइंस की कोई एबनॉर्मल फिंगर नेल्स आपके डेवलप हो रहे हैं. सो एबनॉर्मल फिंगर नेल्स में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो साइन बचता है वो आता है व्हाइट नेल्स. प्योरली पूरे के पूरे नेल स्पॉट्स नहीं, व्हाइट स्पॉट नहीं, पूरा नेल व्हाइट दिख रहा है या बहुत ज्यादा व्हाइटिश है, तो दैट माइट बी अ साइन ऑफ हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी या लो हीमोग्लोबिन का साइन हो सकता है. उस केस में हम कैपिलरी रिफिलिंग भी देखते हैं. नेल को जब आप दबाते हैं तो वो नेल व्हाइट हो जाता है, छोड़ते हैं तो वापस लाल हो जाता है. ये कितना तेज हो रहा है, अगर आप किसी किसी का रोज सबका करके देखें आपको समझ जाएगा कि किसी का स्लो है. सो किसी का स्लो है तो दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, कैपिलरी रिफिल, इन सब चीज़ों से होता है. सो अपने नेल के बारे में जानने के लिए ये सारे पॉइंट देखते रहें और टिप्स के हिसाब से अपने नेल को बाइट वाइट ना करें, उल्टे सीधे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स ना लगाएं और नेल का ख्याल रखें. नेल केयर का एक अलग से वीडियो है हमारा, वो जाके ज़रूर देखें. आई होप दिस वॉज एजुकेशनल. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.